साहब, थोड़ा कंडीशंस के बारे में बताएं। अब लाइट्स खुल गई है, ऑफ कोर्स अंधेरा हो गया है, क्या देख रहे हैं आप इतके? देखिए फातिमा, दिन में तो गर्मी थी, अब क्योंकि फ्लड लाइट्स ओपन हो गई हैं और शाम मगरिब का टाइम भी यहाँ गुजर गया है, तो प्लेजेंट वेदर है। लेकिन मेरा ख्याल जो पिच की कंडीशन है और जो जिस तरह की ड्राई पिच है जिसपे स्ट्रोक खेलना बहुत आसान नहीं है, आप देखेंगे कि नई गेंद पे थोड़ा बहुत तो फिर भी स्ट्रोक प्ले का चांस है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अफगानिस्तान ने तो 4 स्पिनर्स खिलाए, पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स और 2 रेगुलर स्पिनर और 1 पार्ट टाइम स्पिनर इफ्तखार के साथ खेल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो शाहीन का पहला स्पेल होगा और हसन अली का जो स्पेल होगा ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो जिस तरह याया भी कह रहे थे जो टॉप के बैट्समैन हैं खासतौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ये हार्ड हिटिंग बैटिंग करते हैं, तो लिहाजा इनको शुरू से रोकना होगा। लेकिन बाबर आजम ने अभी जो फील्डिंग ली हुई है काफ़ी एग्रेसिव फील्डिंग है, तो मेरा ख्याल में ये जो पहला स्पेल हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स का है ये इस मैच की टोन को सेट करेगा। लेकिन तो थोड़ी देर पहले जो बिशन बेदी की बात हो रही थी, एक थोड़ा सा अगर बोलें तो मैं भी उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ अर्से पहले, तकरीबन 7-8 महीने पहले, बिशन बेदी ने अपने 3 पाकिस्तानी दोस्तों ज़हीर अब्बास, इंतखाब आलम और शफकत राणा को ठीक है ये पहली गेंद पे चौका मारा। जी बटी साहब, थैंक यू, आपने अपने लाइव कमेंट्री भी साथ कर लिया, हम बताने वाले थे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप अपने बताइएगा जरूर जो आप बता रहे थे, तो हम उसको आगे फिर बढ़ते हैं। तो 3 पुराने जो दोस्त थे ज़हीर अब्बास, इंतखाब आलम और शफकत राणा, उनको करतारपुर में अपनी वो वाइफ अंजू के साथ आए थे, तो वहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, क्योंकि उनको फालिज का अटैक हुआ था, वो व्हील चेयर पे थे, तो चूंकि सिखों का बड़ा अकीदत वाला करतारपुर सिंह साहब से रिश्ता है, तो वहाँ वो आए थे। तो चारों जब साथ मिले तो वो इंतखाब आलम ने बताया कि हम चारों ने मिलकर गाना गाया और काफ़ी जज्बाती मनाजिर थे और चारों रोते हुए वो गाना गुनगुना रहे थे, तो ये उनका आखिरी उनसे आखिरी मुलाकात। दिस ब्यूटीफुल मेमोरीज और बस यादें हैं। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने भी हमारे साथ शेयर किया, बट जस्ट लुकिंग एट द मैच नाउ, विल कम बैक टू दैट, और कुछ दिखा भी रहे हैं कुछ इमेजेस। सिखो, व्हाट विल पाकिस्तान, देखिए पहला बॉल उसका वही टांग के ऊपर जो मैं उस दिन बता रहा था कि ये 3 स्टंप्स होते हैं, आपको इधर आना चाहिए, वो बीच में आप गेंद करा रहे हैं या लेग स्टंप के ऊपर, उसने पहली बॉल पर चौका मार दिया। तो शाहीन जो है ना अभी तक वो जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए अभी तक वो, और देखें इनका ये आउट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, यहाँ से इम्पैक्ट डलेगा। 5 आप आउट कर लें आखिरी के अंदर आके वो कुछ नहीं होता, यहाँ इम्पैक्ट डलता है। ये थोड़ी सी बेहतर है, जॉकर लेंथ पे थी जिस पे वो आउट करते रहे, मगर इनको थोड़ा सा ऑफ स्टंप से आना चाहिए, मगर लगता है कि जब ये ऑफ स्टंप पे आते हैं तो वो जो गेंद उनका अंदर आना होता है ना वो रुक जाता है, और थोड़ा टांग की तरफ से तो बड़ा अच्छा यूं जा रहा होता है, मगर ऑफ स्टंप से वैसे आर्क नहीं बनता जिस तरह के उनको बनना चाहिए। और इंटरेस्टिंग होगा रजा के हमारे पेसर्स को यहाँ से क्या मिलता है अंडर द लाइट्स, अंडर दीस कंडीशंस। डेफिनेटली देखें, जितने भी सीमर रहते हैं जो अंडर लाइट बॉलिंग करते हैं उनको हेल्प मिलती है, और शहीन को भी थोड़ी सी मूवमेंट मिल रही है। बात यही है कि अगर एक आधी विकेट लिए देते हैं तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा और एक प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि गुरबाज का आउट करना हमें बहुत जरूरी है। अगर वो विकेट पे 10 ओवर भी खड़े रहे तो वो तकरीबन 70-80 रन के करीब वो स्कोर कर देते हैं, क्योंकि वो रोक के नहीं खेलते। तो यही है कि कॉन्फिडेंस की बात है। अब इस जो भी हमने टोटल किया है इसको हमारी सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग ही इसको प्रूव कर सकती है कि आया ये टोटल बिल्कुल ठीक है, इसको हम डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या आई थिंक जो अफगानिस्तान का जो एटीट्यूड है, नेवर डाई एटीट्यूड, वो बहुत इंप्रेसिव होता है। एक मैच पे वो आसमान तक पहुंच गए थे, सेकंड मैच में दे बिग लॉस उन्हें फेस की, बट टुडे आई थिंक दे वांट टू विन दिस। दूसरा चौका और गुरबाज का पहला चौका, और आप जो बात कर रही हैं, देखें अफगानिस्तान के पास आगे कुआं है और पीछे खाई है, क्योंकि अगर इस पहले 15 से 20 ओवर में वो अटैक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के स्पिनर का इस पिच के ऊपर रोल देखना होगा। तो उनकी कोशिश होगी, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का अहमदाबाद में मैच था, टारगेट बहुत छोटा सा था, लेकिन उसके बावजूद जो अटैकिंग क्रिकेट रोहित शर्मा ने खेली उसका वाजह तौर पर एक ही मकसद था कि जनाब ऊपर से ही जाके अटैक कर दो, ताकि बाद में जो है
आप अंडर प्रेशर ना आए। तो वाजह तौर पर आपको अफगानिस्तान की बैटिंग में भी ऐसा ही कुछ दिखाई देगा और आई थिंक अब देखना यह है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम यहाँ पर कैसी कप्तानी करते हैं, क्योंकि इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर के लिए इतना है कुछ नहीं, लेकिन फास्ट बॉलर बल्लेबाजों के लिए जो है बिल्कुल बॉल बैट के ऊपर जरूर करेंगे। देखो अभी तुमने देखा फातिमा जब भी चौका लगाए उन्होंने ऑफ स्टंप के ऑफ स्टंप पे लाके जब गेंद की है तो तक ना स्विंग हुआ है ना कुछ, ऐसे करके बल्ला मंगाया, वो जो जैसे वसीम अकरम किया करते थे ना उनका, जब ऑफ स्टंप पे मारते थे तो गेंद यूं करके अंदर आता था, वो बड़ा खतरनाक होता है। अभी काफ़ी दूसरे बॉलर्स भी कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, कोई एक्सपर्ट ही जो है जो बहुत ज़्यादा उनको वॉच करता हो वो बताया कि उनका ये जो गेंद पड़ के जो अंदर आता था वो ऑफ स्टंप से नहीं आ रहा, ओके टांग की तरफ या मिडिल स्टंप पे करते हैं उधर तो मूव करता है मगर वो वेस्ट हो जाता है फिर उनको चौका लग जाता है, बट ऑफ स्टंप से वो नहीं आ रहा। तो लेट्स सी, अभी ये पहला ही ओवर है, वी विल जस्ट फाइंड आउट, बट जस्ट फर्स्ट ओवर।